12 साल के उम्र में मोदी जी कहते कि हम मानसरोवर में भाग गए थे। मंडल कमीशन पढ़े ना मोदी, न पढ़ने आता है तो स्मृति ईरानी से पढ़वा ले, पढ़ा के समझा देगा। इस सब नहीं चलने वाला है। इस बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को 10 साल बाद सड़क पर खड़ा कर दिया। पहली बार हो रहा है कि पटना में कल जो है नरेंद्र मोदी रोड पर आएंगे, तो तेजस्वी यादव जो कहे हैं कि वो रोड शो करेगा, हम जॉब शो करेंगे, तो अमित शाह अपन प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं यहां के वर्तमान सांसद से, बताओ मीनापुर का पोर्टल प्रधानमंत्री आवास का क्यों बंद हो गया? जो अभी MP है दोनों बना हुआ था यहाँ 5 साल पहले, 5 साल अभी एक मेरा आवाज नहीं उठाया, एम्स चला गया दरभंगा। भाजपा का कोई भी आदमी अगर आता है तो आप एक बार जरूर पूछ लो कि भाई किस आधार पर तुम वोट मांगे हो। अभी जो डीलर उलर के यहाँ से आयुष्मान कार्ड बना है मालूम है, ये ठगने का काम किया है, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और वो आयुष्मान कार्ड का भी प्राइवेट में जाओगे तो 5 रुपया के काम दवाई लोगे, इलाज करवाओगे, 5 लाख काट लेगा। तो कीचड़ तो कमल में धंस गया, कमल तो कीचड़े में धंस गया। जो आदमी तरी पार देश का जो है होम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, दूसरे पार आरोप लगाते हैं। मुंगेर में गुंडागर्दी करने के लिए अनंत सिंह को पेरोल मिला है। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पूरे देश में आंधी है, वैशाली तो लोकतंत्र की धरती है, और लोकतंत्र जब यहाँ लोकतंत्र की धरती या लोकतंत्र पर जब खतरा होगा, संविधान पर खतरा होगा, तो वैशाली का लोग मानेगा? बताइए पूरे देश में लोकतंत्र की धरती कौन है? वैशाली ना है। और लोकतंत्र पर खतरा है तो वैशाली किसे बर्दाश्त कर लेगा? यहाँ से मुन्ना शुक्ला जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोग आरी डरेर तोड़ करके इस बार जो है मुन्ना शुक्ला को वोट देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। जो पहले 5 साल और 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि रघुवंश बाबू जहाँ पे छोड़ दिए वैशाली को, ये 10 साल में वैशाली वहीं पर खड़ा रह गया। कोई काम हुआ हमको बता दो? रोड रास्ता जितना भी है आप डिबेट करा दीजिए हमको MP से, चाहे 5 साल पहले वाला MP हो या अभी 5 साल वाला MP हो, हमको आप डिबेट सामने सामने बैठा के करा दो कि एक रोड अगर रास्ता बनाया हो, जो भी रोड रास्ता मीनापुर में बनाया है मुन्ना यादव बनाया, अगर नहीं बनाया है तो MP हमारे सामने में बैठ के डिबेट करे, चाहे वो PMGSY का हो, MMGSY का हो, GTSNY का हो, जो भी काम है वो सब मुन्ना यादव करवाया। अगर नहीं करवाया तो डिबेट करे, बैठे हमारे सामने में। हाँ, 3-4 वो गेट तो हम देखे हैं, फलना राजपूत द्वार, फलना सिंह द्वारा, एक वो अर्जुन राय द्वार, वो BJP नेता जो है भाजपा वाला, और भामाशाह द्वार। हमने एक बार कहा था एक आदमी को जो उनके संपर्क के लोग हैं, वो हमारे यहाँ वो जिला परिषद है, कि भैया मीनापुर जहाँ से शुरू होता है अमर शहीद जुब्बा सहनी द्वार मीनापुर लिख दो, ताकि लोग जो बाहर से आने वाला है उसको ये पता चल जाए, क्योंकि हम लोग की योजना में द्वार बनाना नहीं है। अब इधर सुनते हैं कि शहीद के नाम पर द्वार हम बना सकते हैं, जो शहीद लोग हैं। उस समय हमारे यहाँ हिमांशु गुप्ता था, जिला परिषद हम लोगों का है, हमने कहा कि तुम्हारे बगल में बन रहा है उस पर अमर शहीद जुब्बा सहनी द्वार मीनापुर लिख दो, कि बाहर से आने वाला लोग जान जाएगा कि नहीं यहाँ से मीनापुर शुरू हो गया। अब वो न लगा करके दोपहर लगा दिया, तो ये लोग से काम नहीं होने वाला है। मोदी जी किस आधार पर वोट मांगेंगे? अभी जो सांसद हैं क्या आधार है वोट मांगने का? आपके घर में हम मजदूरी मेहनत नहीं करें, आप मजदूरी दे दीजिएगा, हम कह देंगे हम बेटी हैं बहू हैं, हम कह देंगे हम बेटा हैं पोता हैं भतीजा हैं, हमको वोट दे दो, हम काम नहीं मेहनत नहीं किए, हमको मजदूरी दे दो, मजदूरी दे देगा लोग? बिना मेहनत के मजदूरी नहीं कोई देता। कल मोदी जी आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में, क्या उससे असर पड़ेगा? मोदी से क्या असर पड़ेगा, क्या बोलेंगे? फिर वही हिंदू मुस्लिम, लालू यादव मुसलमान को आरक्षण देना चाहते हैं उनको जो है पहले जान लीजिए। मोदी जी जो है, लोग कहता है कि तेजस्वी यादव को 9वां पास है, तो 9वां पास तक करामात करके दिखा दिया 17 महीना में। वो कथी पास हैं? वो तो ऊँटा छापे, वो तो कहता है कि हम 12 बरस के थे तो हम मानसरोवर पर भाग गए थे 16 तारीख। पहले बात सुनिए, पहले वो 12 साल के उम्र में मोदी जी कहते कि हम मानसरोवर पर भाग गए थे, तो वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो मंडल कमीशन जो मंडल आयोग लागू हुआ, मंडल कमीशन लागू हुआ, वो मंडल कमीशन पढ़े ना मोदी, न पढ़ने आता है तो स्मृति ईरानी से पढ़वा ले, पढ़ा के समझा देगा। इस सब नहीं चलने वाला है। रे हमको तो खुशी है कि इस बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को 10 साल बाद सड़क पर खड़ा कर दिया। पहली बार हो रहा है कि पटना में कल जो है नरेंद्र मोदी रोड पर आएंगे, आज नहीं कल 13 तारीख को,
अरे कल है चाचा, 13 तारीख कल जो है रोड पर उतरेंगे वो नरेंद्र मोदी, कर्जा पिटेंगे या बिहार यहाँ मुजफ्फरपुर में सुने हैं अमित शाह, तो हम शाम में पता लगाए हैं, तो तेजस्वी यादव जो कहे हैं कि वो रोड शो करेगा हम जॉब शो करेंगे, तो अमित शाह अपन प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। मोटा भाई जो है ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, इसलिए सबका कुछ कहीं नहीं चल रहा है, कोई मुद्दा नहीं, न बेरोजगारी, न महंगाई, न किसान के समस्या, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से देश चलेगा। मंत्री आवास आए हमारे मीनापुर का, मैं पूछना चाहता हूं यहां के वर्तमान सांसद से, बताओ मीनापुर का पोर्टल प्रधानमंत्री आवास का क्यों बंद हो गया? पूरा जिला में और जगह मिला मिला है और जगह, मीनापुर का सकरा का पोर्टल क्यों बंद कर दिया गया, क्यों नहीं खुलवाया गया, गरीब को आवास से वंचित क्यों किया गया? अगर इसके वंचित किया गया तो इसके बारे में एक वो हमको स्क्रिप्ट बता देते लोकसभा में, वो बोल दिया हो, बोलिएगा कुछ नहीं। एयरपोर्ट चल गया, एम्स चला गया, रघुवंश बाबू थे, आप लोग भी रहे होइएगा, हम लोग पद यात्रा किए थे रघुवंश बाबू के साथ, पूरा जिला का पद यात्रा हम लोग किए थे। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज को 200 एकड़ जमीन है, हम लोग रघुवंश बाबू के जरिए पद यात्रा किए कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का राजधानी है, यहाँ एक एम्स होना चाहिए। रघुवंश बाबू कहते थे कि छत्तीसगढ़ को 1-2 करोड़ आबादी एक एम्स, झारखंड की आबादी 2 करोड़ एक एम्स, हमारा है 14 करोड़ आबादी, तो हमको कानू पंच बैठाओ कि हमको 7 एम्स चाहिए कि नहीं, न तो कम से कम 5 एम्स तो चाहिए। मुजफ्फरपुर के पास जमीन उपलब्ध है, योजना आयोग से यूपीए 2 की जब कांग्रेस की सरकार थी, योजना आयोग से गुलाम नबी आजाद उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे केंद्र में, योजना आयोग से उन्होंने पारित किया, रघुवंश बाबू को फोन करके बताया कि रघुवंश बाबू आपके मेडिकल कॉलेज को योजना आयोग से हम पारित कर दिए हैं, ये जो अभी MP है दोनों बना हुआ था यहाँ 5 साल पहले, 5 साल अभी एक मेरा आवाज नहीं उठाया, एम्स चला गया दरभंगा, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में एम्स नहीं बना, एयरपोर्ट चला गया दरभंगा, पता ही एयरपोर्ट नहीं बना, किस आधार पर वोट मांगोगे, क्या किए हो कि वोट मांगो? हम तो पूछते हैं लोग से कि भाजपा का कोई भी आदमी अगर आता है तो आप एक बार जरूर पूछ लो कि भाई किस आधार पर तुम वोट मांगे हो, खाली अनाज की बात कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से कितने आदमी का इलाज हो पाया हमको बता दो तो, है इतना आदमी में बताओ कि कितने आदमी का आयुष्मान कार्ड से, अपना कैमरा घुमा दो, आप पूछो कि कितने आदमी का आयुष्मान, इसमें आयुष्मान कार्ड में अभी जो डीलर उलर के यहाँ से आयुष्मान कार्ड बना है मालूम है, ये ठगने का काम किया है, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो पुराना है वही, अभी जितना कार्ड बना है किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और वो आयुष्मान कार्ड का भी प्राइवेट में जाओगे तो 5 रुपया के काम दवाई लोगे, इलाज करवाओगे 5 लाख काट लेगा, ये तो उस हॉस्पिटल वाला सबको फायदा करवा दिया है, और उसमें भी सब नहीं मानता है। 5 किलो अनाज कांग्रेस की सरकार थी, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये चावल था कि नहीं था, 5 किलो अनाज का दाम था 13 रुपया, उस समय चीनी मिलता था, मटिया तेल मिलता था, सब मिलता था कि नहीं, अब चीनी मटिया तेल बंद कर दिया, ये 5 किलो अनाज जो फ्री में किया तो उस समय कांग्रेस के समय में गैस सिलेंडर था 450-450 रुपये, अभी है 1200 रुपये, 800 रुपया उस पर खींचा, सरसों तेल था 60-70 रुपये, बीच में हो गया था 200 रुपये, फिर हो गया 150 रुपये, 100 रुपया इस पर खींचा, 800-900 रुपया, लहसुन था 80-90 रुपये, अभी हो गया 120 रुपये, एक महीना पहले था 400 रुपये, फिर इसका दुर्भाग्य से कहीं सरकार बनेगा तो हो जाएगा 500 रुपये, तो महीना में 13 रुपया का अनाज देता है, 1300 रुपया खींच लेता है, ये तो खूने न खींचता है गरीब का। तो लाल कीचड़ तो कमल में धंस गया, कमल तो कीचड़े में धंस गया, अब कीचड़ कमल खिलने वाला है, पनिया है, बाढ़ आता है, जब बाढ़ नहीं आता है तो तालाब पोखरी में पानी कहाँ से आएगा, पानी रहेगा तब न कीचड़ रहेगा, आ कीचड़े में न कमल खिलता है, कमल सूख गया आ तीर जो है टूट गया। गुंडा का वाले को टिकट दे रहे हैं आप लोग, अब कौन पार्टी सबसे बड़ा गुंडा, तो यहाँ तरी पार जो है बिहार देश का होम मिनिस्टर है, हम बोलते हैं हाईकोर्ट बोला, अरे हाईकोर्ट तरी पार किया कि नहीं किया, बोलिए ना कि न किया, आप बोलिए इतने बोल दीजिए कि न किया, जो आदमी तरी पार देश का जो है होम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है दूसरे पार आरोप लगाते हैं। अभी मुंगेर में गरीब के बेटी को जो है जितना है तो देखे आनंद सिंह को पेरोल पर ले आया कि जमीन बंटवारा के लिए इसको पेरोल मिल रहा है, लेकिन जमीन बंटवारा के लिए पेरोल मिला, मुंगेर में गुंडागर्दी करने के लिए आनंद सिंह को पेरोल मिला है, ये सब नहीं चलने उलने वाला है। इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और अपार 2/3 से अधिक बहुमत से बनेगा।
और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।